तो हम कर रहे थे बच्चे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो बात ये है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एज असेंशियल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इफ प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, बिलो देयर क्रिटिकल कंसेंट्रेशन दे विल प्रोड्यूस डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स। जनरली इनकी क्रिटिकल कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनके बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स नजर नहीं आते, बट फिर भी अगर इनकी कंसेंट्रेशन बहुत कम हो सॉइल में तो इट विल प्रोड्यूस डेफिशिएंसी सिम्टम्स। द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स is different or you can say variable, अलग-अलग है। किसी की ये नहीं हम कह सकते कि इतनी ही न्यूट्रिशन हर माइक्रो न्यूट्रिएंट इतना है, नहीं, अलग-अलग। इफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट देन दे विल कॉज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट व्हिच डिक्रीजेस ड्राई वेट ऑफ प्लांट या प्लांट पार्ट बाय 10 mg। 10 mg ही था ना, 10% हमें बाय 10%, नॉट 10 mg, आई एम सॉरी, 10%। देन दिस कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज सेड टू बी टॉक्सिक। इसको हम कहते हैं टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर एक्सेस ऑफ फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ मैग्नीज प्रोड्यूस
distinct. Toxicity symptoms. Manganese is a micronutrient और ये distinct जो है toxicity symptoms produce करता है such as appearance of brown spots. कहाँ पे mainly leaf पे ही नजर आते हैं brown spots surrounded by chlorotic. Chlorotic का क्या मतलब है? जहां पे chlorophyll नहीं है, मतलब बहुत ही पीली सी नजर आ रही है. Surrounded by chlorotic veins in leaves. मतलब अगर हम लीफ देखें तो ये क्लोरोटिक वेन्स है पीली सी इनके आसपास ये ब्राउन स्पॉट्स जो है वो नजर आए. ठीक है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी. ध्यान से ये बात सुननी है, बाद में लिखनी है. इनफैक्ट कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी करती क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ वन इज मैग्नीशियम, अनदर इज कैल्शियम एंड आयरन. ये इनफेक्ट क्या कर रही है? दैट इज मैग्नीशियम कैल्शियम एंड आयरन की डेफिशिएंसी कर रही है. कैसे? बिकॉज एक्सेस ऑफ मैग्नीज inhibits translocation of calcium to shoot apex. Due to which the shoot apex it dies, right? उसके बाद second है excess of manganese competes with uptake of magnesium and iron. ठीक है, चाहे सॉइल में मैग्नीशियम और आयरन जितना मर्जी है बट प्लांट को जो है मैग्नीशियम एंड आयरन नहीं दिख रहा. देयरफॉर plant is chlorotic. Chlorotic means no chlorophyll या less chlorophyll and show necrosis. Necrosis means death of tissues. ठीक है, तो जो प्लांट है, अब हम क्या देखते हैं कि प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, क्लोरोफिल नहीं बन रही. हमने ना ढेर सारा मैग्नीशियम डाल दिया पर फिर भी नहीं हो रहा. फिर हम देख रहे हैं शूट एपेक्स मर रही है, हमने कहा कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम डालो तब भी प्लांट नहीं ग्रो. मतलब अल्टीमेटली ये पता चला कि सॉइल में मैग्नीशियम भी सफिशियंट है, कैल्शियम भी सफिशियंट है, आयरन भी सफिशियंट है, बट देयर इज एक्सेस ऑफ मैग्नीज. तो हमें मैग्नीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा सोयल. इज इट राइट? ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नीज टॉक्सिसिटी द
जो सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी है दे आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम का आयरन एंड कैल्शियम. इट मींस व्हाट डू द एक्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉज दे. हम यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टार डाल रहे हैं, मैं इधर लिख रही हूँ. दस एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटरफियर्स इन अपटेक देयर इंटरफियर्स इन अपटेक ट्रांसपोर्ट एंड यूजेज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉजिंग डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स thus affecting growth and development of plant. Is it clear? ठीक है जी. तो excess of micronutrients क्या कर रहे हैं, actually deficiency of macronutrients कर रहे हैं. Is it okay? ठीक है जी, समझ आ गई? यस मैम. यस लिखो. यस मैम लिखो जल्दी से. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. फंक्शंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो बेटा कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों जो है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स required and these are components of all the organic biomolecules you can say. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाकी के हम करते हैं. फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन. अब आपको पता है एयर हैज 78% ऑफ डायनाइट्रोजन. N2 इज डायनाइट्रोजन. बट N2 जो है इज इनर्ट है. इनर्ट एंड प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स. किसी भी तरीके से दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम कि भी ये कैसे कन्वर्ट हो रही है. इस प्रोसेस को बोल देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन.
conversion of nitrogen into ammonia is nitrogen fixation, and this is nitrification. और जो plants है, plants absorb nitrates from soil and water. Okay, so which is absorbable form of nitrogen? It is nitrates, right? Function of nitrogen. Component of proteins and nucleic acids. ये तो है ही है, ये तो दो main है जिसमें nitrogen जो है वो consume होती है. Another is chlorophyll also. Chlorophyll is C55, F72, N4, MgO, N4, C55, F72, N4, O6. मैं एक मिनट देखती हूँ, मेरी कंफ्यूजन सी होगी, but let me see. H72, O5, N4, Mg. एक मैं ऑक्सीजन लेट मी चेक बट अभी आप ये देखिए. दूसरी बात जो है इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. यही है C55, H72, O5, N4, Mg. ये क्या है क्लोरोफिल ए. तो रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली मेरिस्टेमेटिक रीजन्स. अगेन फॉर ग्रोथ, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होंगे नए सेल्स बनेंगे, नया डीएनए बना, नया प्रोटीन्स बनने हैं, सब कुछ चाहिए है, तो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी चाहिए. इट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ यू नो विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स आल्सो. तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो पहला क्या है, दैट इज क्लोरोसिस, नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. सेकेंड है necrosis, death of the tissues. Third आ जाता है बेटा development of anthocyanin pigments. Chlorophyll नहीं होगा but पर्पल कलर का क्या बनना शुरू हो जाएगा, एंथोसियानिन पिगमेंट्स बनने शुरू हो जाए. ठीक है, पहले ये लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो पॉइंट्स ऑफ स्टंटेड ग्रोथ, इनहिबिशन ऑफ
सेल डिवीजन। और मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि नाइट्रोजन जो है एक मोबाइल एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज मोबाइल, देयरफॉर ड्यूरिंग इट्स डेफिशिएंसी इट मूव्स फ्रॉम ओल्डर पार्ट्स टू यंगर पार्ट्स। तो इसलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले किसमें नजर आएंगे बताओ जरा? मेम्स एंड एब्सेंट पार्ट्स। यस, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर पार्ट्स ऑफ। राइट, नेक्स्ट आ जाता है बेटा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज एब्सॉर्ब्ड एज फॉस्फेट आयंस H2PO4 नेगेटिव या फिर HPO4 2 नेगेटिव। फॉस्फोरस इज एब्सॉर्ब्ड एज फॉस्फेट आयंस फ्रॉम द सोइल। देन फंक्शंस क्या है फॉस्फोरस के? फर्स्ट है अबंडेंटली प्रेजेंट एज फॉस्फोलिपिड्स इन बायोमेम्ब्रेन्स सेकेंड है कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स थर्ड है कैरीज हाई एनर्जी बॉन्ड्स इन ATP, NADPH2, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायर्ड इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस जैसे ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सेट्रा। इन सब में जो है वो फॉस्फोरस चाहिए। व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स? वही क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, ये तो है ही है। डेवलपमेंट ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंट्स स्टंटेड ग्रोथ delayed flowering delayed
इसीलिए डिटर्मिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। Delayed seed germination. Again, important point. जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज मोबाइल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट इन ओल्डर ओल्डर पार्ट्स ऑफ ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट फॉस्फोरस करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पोटेशियम। थर्ड या फोर्थ हम लिखते एब्सॉर्ब्ड एज के पॉजिटिव from soil. It is not a component. Important point there. Not a component of any biomolecule. But is essentially required कहां कहां पे बाय वही मेरिस्टम्स देन बर्ड्स देन लीव्स देन रूट टिप्स एटसेट्रा। क्यों चाहिए है, क्या प्रॉब्लम है? सो फंक्शंस जो पोटेशियम है इज रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम्स। जिन एंजाइम्स को पोटेशियम चाहिए, अगर पोटेशियम नहीं मिलेगा तो वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। सेकेंड है, पोटेशियम इज कॉम्पोनेंट ऑफ या पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन पोटेशियम मैलेट फॉर्म फॉर स्टोमेटोलोपिन then potassium is required to maintain cation anion balance in cells. Then potassium maintains turgidity of plant cells. Then potassium, beta ek minute sir. एक मिनट। तो पोटेशियम मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल्स। पोटेशियम इज
responsible for various movements of plants, phototrophic movements, chemotrophic movements, ये सब जो है potassium की help से होती है and required for protein synthesis, respiration, photosynthesis, etc. क्योंकि वो जहां पर वो enzymes required है जिनके लिए potassium चाहिए वो enzymes जो है यहां पर involved, right? And what are the deficiency symptoms? First है chlorosis around veins. It, you know, it nullifies apical dominance. एपिकल डोमिनेंस को खत्म करती है इसलिए बुशी अपीयरेंस ऑफ प्लांट क्लोरोसिस और नेक्रोसिस तो है ही है नेक्स्ट आ जाता है bushy habitat, shorter internodes. Another is shorter internodes. और जब internodes short हो जाए, तो stunted appearance. And वही जो point है, that is it is mobile. Deficiency symptoms. First in older parts of. ठीक है जी? So this is potassium. Next is calcium. Next is calcium. लिख लो फटाफट से. Calcium is absorbed as Ca2 positive. Calcium is absorbed as Ca2 positive from the soil. Ma'am, repeat kar do. Calcium is absorbed as Ca2 positive. Matlab calcium ion sir from the soil. Next point है required by meristematic and differentiating tissues जो differentiate कर रहे हैं root cells, stem cells में meristematic and differentiating tissues functions लिख लीजिए it is the component of middle lamella of cell wall. Middle lamella of cell wall as calcium tractate. As calcium tractate. Second, required for the synthesis of mitotic spindle. Required for formation of mitotic spindle during. हम क्या देते हैं mitotic spindle, but meiosis में भी यही जरूरत है. During cell division. During cell division. Next है
It is required for the permeability of the cell membranes. It is required for the permeability of the cell membranes. Next step. Acts as activator of certain enzymes. Act as activator of certain enzymes. Next step. It helps in regulation of various metabolic activities. Next, deficiency symptoms. First, necrosis. Second, degeneration of meristematic tissue, जहाँ पे नई cell walls बननी है, middle lamella बना ही नहीं, degeneration of meristems. Premature abscission of flowers. It is कैल्शियम जो है इनमोबाइल है. कैल्शियम इज इनमोबाइल एंड दस डेफिशिएंसी सिम्टम्स. First appear in younger parts of the plant. Next, आ जाइए मैग्नीशियम. Absorbed as Mg2 positive. Absorbed as Mg. 2 positive from soil. Second, again required by meristematic and young growing regions of the plant. Functions kya hai? Component of chlorophyll. It is a component of chlorophyll. Second है, it acts as the cofactor of many enzymes. It acts as the cofactor for many enzymes involved in photosynthesis, respiration, synthesis of DNA and RNA. और नेक्स्ट है, अगर आपको याद हो, नेक्स्ट फंक्शन है, तो हमने प्रोटीन सिंथेसिस में कहा था कि दो राइबोसोम सब यूनिट्स की एसोसिएशन के लिए मैग्नीशियम चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस.
Next is deficiency symptoms. Deficiency symptoms. वही first तो है chlorosis. First is chlorosis. Second है necrosis. थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एंथोसियानिन. फोर्थ है पुअर डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलेचर. पुअर डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलेचर. डेवलपमेंट ऑफ एंथोसियानिन. डेवलप पुअर डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलेचर वेस्कुलर टिश्यूज xylem and phloem. Magnesium जो है mobile element है. Magnesium is mobile and therefore deficiency symptom first appear in older parts of the body. नेक्स्ट आ जाइए सल्फर. नेक्स्ट इज सल्फर. इट इज ऑब्टेन्ड इट इज एब्सॉर्ब्ड एज सल्फेट आयन्स. इट इज एब्सॉर्ब्ड एज सल्फेट आयन्स. नेक्स्ट है सल्फेट आयन्स फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ टू अमीनो एसिड्स सिस्टीन एंड मिथियोनाइन. कंपोनेंट ऑफ टू अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनाइन. नेक्स्ट है It forms several coenzymes. It forms several coenzymes, comma, vitamins such as thiamine. Another is coenzyme A. Another is FPS protein. नेक्स्ट आ जाता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स. पुअर डेवलपमेंट. पुअर डेवलपमेंट स्टंटेड ग्रोथ. Reduced nodule formation. Reduced nodule formation in leguminous plants. In leguminous plants. ठीक है बेटा. सो ये जो है ये हम आज के लिए करते हैं. बाकी के जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके सो मुझे आपने क्या करना है बेटा,